Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hagama. 12th match aaj aap dekh rahe hain ki hoga aur uske sath sath hum aapko aaj ke jo do matches hain iske mutalliq batayenge lekin ye jo program hai ye khususi transmission jo aapke samne Cadbury leke aaya hai isko present kiya hai Coca-Cola ne, brought to you by zameen.com and sponsored by Allpers. और हमारे जो ट्रांसमिशन पार्टनर्स हैं वो है मरीना स्पोर्ट्स सिटी लाहौर का लदर. ये लाहौर का शहर है और मरीना स्पोर्ट्स सिटी ये एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं कि जो कि इनोवेटिव, वो कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स रिवाइवल ऑफ अ स्पोर्ट्स सिटी इन लाहौर. इसके मतलब आपको बताते जाएंगे लेकिन ये अल जलील बिल्डर्स का एक आप कह लो कि शानदार एक इनोवेटिव आइडिया है मरीना स्पोर्ट्स सिटी. अब बात आती है आज का मैच लाहौर कलंदर 174/9. मैच बड़ा क्लोज जा रहा है, बहुत ही क्लोज है. अभी आपको इसका रिजल्ट भी दे देंगे, हम इसकी कुछ बात करेंगे और ऑफकोर्स शाम के आने वाले की ज़रा थोड़ी सी प्रीव्यू करेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट कैप्टन इंतखाब आलम, ऑफकोर्स साबिक टेस्ट कैप्टन सलीम मलिक, साबिक टेस्ट कैप्टन मिसबाह उल हक और ऑफकोर्स ये भी अपने इन्होंने कम से कम हर जगह कैप्टनसी की हुई है इंटरनेशनल लेवल पे भी एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट क्लास लेवल पे 18 इयर्स ही इज कैप्टन लाहौर आमिर मलिक. एनालिसिस, सिनॉप्सिस एंड ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना क्रिटिकल रिव्यू एंड प्रीव्यू. स्किपर आज का मैच क्रिटिकल एज यूजुअल, जिसने भी टॉस जीता उन्होंने फील्डिंग पहले की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और पहले 6 ओवरों में लाहौर कलंदर ने 72 रन किए विदाउट लूजिंग अ विकेट. बॉलिंग बहुत शॉर्ट हुई एक्चुअली, कोई भी बैट्समैन ने कोई रिस्क नहीं लिया. दे क्रीम डिट जैसे हम कहते हैं, बड़े आराम से उन्होंने 72 रन किए. जैसे ही 6 ओवर ख़त्म हुए तो शादाब खुद आया और मुबशर को लेके ऑफ स्पिनर. आज मुझे बड़ी खुशी हुई दरअसल मुबशर को देख के, ये पहला ऑफ स्पिनर मैंने देखा जो कि साइड ऑन एक्शन से बॉलिंग करता है. इसका गेंद बाहर भी बड़ा अच्छा निकाला है इसने और इसने 19 रन देख के एक आउट किया 4 ओवर में. इट इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. शादाब उसने 4 ओवर में 20 रन दिए, 4 आउट. वो जो प्रेशर उन्होंने बिल्डअप किया उसके बाद, जब ये इनके दोनों स्पिनरों के जब ओवर ख़त्म हुए 8 ओवर, तो फिर हसन अली को लेके आए और वो जो प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया था दोनों स्पिनर्स ने, वो एकदम से ही ख़त्म हो गया. मेरे लिहाज से इनको 170 भी नहीं करने चाहिए थे लाहौर कलंदर को, अगर इनका हसन अली आके बॉलिंग ठीक करता. उसकी एक स्पीड मैं देख रहा हूँ कि कुछ कम हो गई है और ना उसका गेंद कहीं स्विंग हो रहा है. तो लेकिन वहाब ने भी आके एंड में आके बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने भी 4 आउट किए, इसने भी 4 आउट किए. लेकिन ये कब चेसिंग रन्स, यू नो, बहुत ही दिलचस्प मैच हो गया है. अब देखते हैं क्या बनता है, क्या होता है. हाँ सलीम, ये बिल्कुल जैसे स्किपर ने कहा कि 72 रन्स करने के बाद और 6 ओवरों में, जैसे कल भी आमिर भी बात कर रहे थे इस पर कि पहले 6 ओवर बड़े क्रूशल होते हैं, तो 6 ओवर्स करने के बाद आप देखें 98 पे आपके 5 आउट हो जाना, ये शो करता है कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी. अगर विकेट्स गिरती हैं पावर प्ले के बाद तो आपको मैच को ले कर चलना चाहिए ना. बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मुबशर और शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर उसके बावजूद आपका कोई प्लान होना चाहिए ना कि आप ये तो नहीं कि एकदम आप 20 रनों में 5 विकेटें गिर जाएं. तो मैं समझता हूं कि आज कोई प्लान नहीं था इनका. विकेट्स थ्रो की, ऊंची हिटें मारी, मतलब कोई पिक एंड चूज वाला हिसाब नहीं. दो बॉल्स पे 9 रन चाहिए, मुश्किल हो जाएगा. अगर अगर आज़म को सामने लेके आए तो शायद फास्ट बॉलर के खिलाफ उसका स्कोर करना मुश्किल है. जी ओवरऑल बिल्कुल सही रिव्यू किया है और जो हम बात करते आ रहे हैं ओवरऑल लाहौर कलंदर्स की कि दे आर डिपेंडेंट हैविली ऑन देयर ओपनर्स, फिर वही हुआ 6 ओवरों में 70+ रन्स कर दिया. मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को जो इम्पैक्ट थोड़ा सा, जैसे सारी टीमों के पास प्लेयर हैं वो नज़र नहीं आया. गो के नए प्लेयर आए हैं, ब्रुक्स बड़ा अच्छा खेले, वो थोड़ा बहुत सेफ कर गए लाहौर कलंदर्स को. 37 जो किया है डेविड वीजे ने, 20 किया, थोड़ा बहुत वो अच्छा खेल गए तो इतने रन हुए. बट ओवरऑल आई थिंक
जिस तरह का स्टार्ट था वहाँ से 200 रन होने चाहिए थे, 190-200 रन अगर थोड़ा सा भी सेंसिबली खेलते, बट पावर प्ले के बाद भी ऐसे खेले हैं सारे और एक गिरी हैं, तो थोड़ा उसके बाद कंसोलिडेशन करते, थोड़ा देखते कि अच्छा यार हम थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करें, बट विकटें गिरती गई हैं और नहीं सोचा और उस तरह खेलते गए, मारते गए, आउट होते गए, एट द एंड आपको 15-20 रन स्कोर कर गए। बट फिर भी जिस तरह की पिच है, आई थिंक वो स्टार्ट ने थोड़ा बहुत बचा लिया इनको, और जिस तरीके से फिनिश किया नीचे से ब्रुक्स ने और डेविड वीजर जिस तरह की इनिंग खेला, फिर भी एक ऐसा टोटल अपनी बॉलिंग को दे गया जिसकी वजह से मैच अभी तक फंसा हुआ है, बल्कि ऑलमोस्ट जीत गया, एक आउट हो गया, आउट हो गया लास्ट बॉल पे, 9 स्कोर चाहिए, 9 रन्स, बिल्कुल हो सकता है, अनबिलीवेबल नहीं हो सकता है, हो सकता है नो बॉल हो जाए, नो बॉल, वेरी वेल सर, यस क्यों जी आमिर, बिल्कुल सही जैसे सर ने कहा है वही, क्योंकि एक सामने चीज नजर आ रही है कि 72 for 9 और फिर 98 for 5 क्या हुआ कि किस तरीके से अगले वो खेले हैं, कि इनके जो इनके शॉर्ट सेलेक्शन थी वो बहुत गलत थी, जैसे ही ये एक इतना आला मोमेंटम बनाना था और उसको इन्होंने अगले प्लेयर्स ने आके जिस तरीके से हिटिंग की वो बिल्कुल ऐसी रॉन्ग सिलेक्शन थी कि आप सोच नहीं सकते, 5 out 98 5 उसके बाद फिर थोड़ा सा अच्छा हो गया है, एंड में इतना फाइटिंग टोटल कर गए वो कि अपने जो उनके पास उनकी बॉलिंग साइड है उसके लिए ये बड़ा अच्छा, इस विकेट पे ये फाइटिंग टोटल था जो भी मैच हो रहा है, और अब देखते हैं, लाहौर जीत गए, लाहौर 1/8 runs, अभी खुल के बोले आज लियास नहीं है, कोई नहीं, नहीं नहीं मैं और क्या आवाज़ आ रही हूँ, मेरे आवाज़ नहीं आपको आ रही, बस बहुत कम आ रही है जी, आज देखें कि इतना अच्छा मैच बना के मिनरों ने और फिर कैमरे ने जो बात की, हाँ इतना अच्छा, मतलब 20 22 स्कोर चाहिए था, शायद 26 चाहिए था तीन ओवरों में, 27 चाहिए था 30 ओवरों में, इतना करीब ला के मैच हारना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीम भी इतना करीब आके इस टूर्नामेंट में होगी, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो अच्छे प्लेयर थे आउट हुए, पिछले मैचों में जो गलती करते, जो कराची के खिलाफ हुआ उसमें शाहिद ने आखिरी ओवर्स किया और आज़म खान खेल रहे थे और बिल्कुल पाँव में मार मार के छक्के खाए, आज फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की और वो स्ट्रगल कर रहे थे, आप देखें उनसे स्कोर नहीं हुआ आखिरी ओवर्स में, तो यही रीज़न थी कि इनके हारने की, कि इनके पास उस वक्त फास्ट बॉलर खेलने के लिए कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो 26 या 27 रन्स कर सकता हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस मौके पे इस जगह पे आके इस्लामाबाद मैच हार जाए, ये तो एक मैं कहता हूँ समझता हूँ कि खुदकशी है कि इतना करीब आके मैच हारना, लाहौर का यूजुअली इसका रिवर्सल होता है लाहौर का, आज देखे यू नो मैच किस तरह जीते हैं ये लोग, आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए लाहौर की बॉलिंग को और कैप्टेंसी भी काफ़ी हद तक, जिस तरीके से शाहीन ने आज वो स्टीरियोटाइप नहीं काम रखा, जल्दी आ गया, एंड तक दो ओवर नहीं रखे, मेन बॉलर्स को राशिद खान को बीच में इंट्रोड्यूस कराया और कोशिश की कि जहाँ पे ऑलमोस्ट 7 पे आ गया था रिक्वायर्ड रेट, वहाँ पे अपने मेन बॉलर्स को ला के उसने थोड़ा प्रेशर बिल्ड किया, एक दफा एवरेज को लेके गया 9 के करीब, वहाँ पे मनरो और शादाब थोड़ा सा पैनिक हुए, आउट हुए, और उसके बाद जमान ने जिस तरीके से एंड पे बॉलिंग की, आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी एक आगे ज़बरदस्त आपको एक बॉलर नज़र आ रहा है, और तो अभी वो इमर्जिंग कैटेगरी में आया है और इतने प्रेशर में आके उसने जिस तरीके से आसिफ और सामने आज़म खेल रहे थे 12 रन्स आई थिंक सेव करने आखिरी ओवर में, जब आप मेन बैट्समैन सामने खड़े हों और ऐसी बाउंड्रीज और इस किस्म की क्रिकेट में, थ्रू आउट उसने अच्छी बॉलिंग की, सर्कल में भी अच्छी बॉलिंग की, एंड पे भी अच्छी बॉलिंग की, ओवरऑल देखे तो 3 जो बॉलर थे वो की रोल उन्होंने प्ले किया, शाहीन, राशिद एंड जमान, जिन्होंने पूरा मैच जो है गिरफ्त में रखा है और पूरे मैच को जो है वो वापस भी लेके आए और फिर एंड पे फिनिश भी किया लाहौर के लिए। मगर आप समझते हैं कि 27 स्कोर जो है तीन ओवरों में कोई भी टीम होती, जिस पर कोई भी टीम होती, क्या वो ये ऐसा चांस था कि ना होता, उसकी रीज़न ये आपने जो बिल्कुल ठीक जजिया किया, मगर आप ये देखें कि बैट्समैन जो खेल रहे थे
आजम ने पिछले मैच में कितना अच्छा स्कोर किया, उसको बहुत नीचे भेजा। आप देखें उसको, तो ये स्कोर उनके लिए कुछ होना नहीं चाहिए। आपका वैसे ही मोराल बड़ा हाई होना चाहिए कि आपने पिछले मैच में इतना अच्छा स्कोर किया और 8 रन की एवरेज आप चेज नहीं कर पाए, इसीलिए कि फास्ट बॉलर, इसीलिए हम पीछे भी बात कर रहे थे पिछले मैच में भी, जब शाहिद अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे और स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे दोनों तरफ से आजम खान को, तो हमने उस वक्त ये बात की थी कि हाउ इम्पॉर्टेंट दीज मैचअप्स आर। आपको पता है एक बंदे का स्ट्राइक रेट, उसका रन रेट अगेंस्ट सर्टन बॉलिंग बहुत अच्छा है, और अगर आप उसके सामने वो लगाएंगे जैसे पहले मैच में गलती की पेशावर जर्मी के अगेंस्ट, हुसैन तलत खेल रहे थे और शुएब मलिक खेल रहे थे, दोनों तरफ से स्पिनर इंट्रोड्यूस कराए और वो मैच ले के निकल गए। तो यही हाल हुआ पिछले मैच में, आज यही मैं कह रहा हूँ कि गेम अवेयरनेस बड़ी ज़बरदस्त थी, रीड अच्छा किया और उसको कोई स्पिन बॉलिंग नहीं मिली, अगर मिली भी तो 2-4 बॉल। दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर और जो आज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था राशिद खान, उसके मिले, उसके बाद थ्रू आउट एक्स्ट्रा पेस मिली, 150 प्लस पे आज बॉलिंग कर रहे थे हारिस रऊफ भी और बाकी भी जो है 140 प्लस पे बॉलिंग कर रहे थे। तो वो आजम के खिलाफ जो उनका प्लान था उस वो वर्क किया, और एक वो जिस सलीम भाई कह रहे हैं कि हाथ में था, बिल्कुल प्लेट में था मैच इस्लामाबाद की, बट आई थिंक क्रेडिट गोज टू लाहौर, क्रेडिट गोज टू लाहौर कि उन्होंने ये मैच जो है एक ऑलमोस्ट सारा हुआ मैच जीता। अच्छा, आपने स्किपर T20 तो देखा होगा पिछला, ये जो गया UAE में जो हुआ T20 वर्ल्ड कप जी, हसन अली को हम देख रहे थे वहाँ, हसन अली इज नॉट रियली कमिंग अप टू द मार्क। मैं अभी दरअसल बैठे तो मैं सलीम से ये बात कर रहा था, तो मुझे लगता है उसका कोई फिटनेस का मसला, मुझे लगता है ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनाफ, उसकी स्पीड भी कम होती जा रही है ना, उसका गेम स्विंग होता है। तो इसको चाहिए अपने कोचेस से बात करें और अपनी फिटनेस में, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, तो ही बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। अगर उसकी स्विंग नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ही शुड बी बॉलिंग मोर देन 140। क्यों आमिर, 3 for 43, उसके फिटनेस का तो नहीं पता कि वो उसका कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो आते हैं गेन करने, अब देखिए आता है गेन करता, कोई नहीं सोचता, फिर वो फौरन तौर पर वापस जाता है आगे, जैसे अभी जिसने उसने मार पड़ी है अभी भी आज भी, और थ्रू आउटपुट से वर्ल्ड कप से लेकर के अभी तक उसमें वो चीज़ नहीं दिख रही जो कि उससे पहले हम लोग उसको देख रहे थे, हमें लगता था कि ये और डे बाय डे इम्प्रूव करेगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ उसमें हमें नज़र नहीं आई। और आज भी देखें एक बड़ा ऑर्डिनरी सा बॉलर लग रहा था बिल्कुल वो, और मुझे पता नहीं है कि उसका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है, इसको सोचना पड़ेगा, अपने कोचेज से बात करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा कि क्या मसला है इस पर। अच्छा, आपने होमवर्क की बात की, अब वर्ल्ड कप इज़ अराउंड द कॉर्नर, क्या इसकी प्रिपरेशन अभी से नहीं होनी चाहिए? ज़ाहिर है आपकी प्रिपरेशन, और आई थिंक PSL आपको बहुत बड़ा एक हिंट देती है कि क्या टीम आपने खिलानी है, आपके एम्बिशंस, किस नंबर पे किसने खेलना है, कौन से बॉलर हैं जो आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, जो भी सिलेक्शन कमेटी है या टीम मैनेजमेंट है, बिल्कुल आपके सामने क्लियर व्यू आ जाएगा इसका कि हम हमारा कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। वरिंग साइन फॉर पाकिस्तान हसन, आई डोंट नो, हसन 2019 में भी हसन के साथ ये हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम भी बड़ा लंबा आउट ऑफ फॉर्म रहा, वर्ल्ड कप तक यही था कि अभी दोबारा वो आ जाएगा, कॉन्फिडेंस उसका वापस आ जाएगा, बट वर्ल्ड कप में भी नहीं आया, और वर्ल्ड कप के बाद वो फिर बाहर भी हो गए इंजरी की वजह से, फिर देन ही जस्ट प्लेड सीजन और उसमें अच्छा परफॉर्म करके आया, और पूरा साल उसने तकरीबन डोमिनेट किया, तीनों फॉर्मेट्स में आउट किए, टेस्ट में, T20 में, वनडे में, मैच विनर था। सडनली फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज फिर वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि बॉलिंग फॉर्म गई है, और वो अभी तक वापस नहीं आया, आई थिंक इट्स अ वरिंग साइन फॉर हिम एंड पाकिस्तान। चलें जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आके वी विल अगेन टॉक शॉप, दैट मींस टॉकिंग क्रिकेट। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, ब्रॉट टू यू बाय zameen.com एंड स्पॉन्सर्ड बाय नन अदर देन ऑल्फर्स। एंड ऑफ कोर्स ट्रांसमिशन पार्टनर्स हमारे हैं मरीना स्पोर्ट्स सिटी, और ये एक इनोवेटिव, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये एक नया, एक आप कह लो कि एक फॉर्मेट आया इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो अल जलील बिल्डर्स ये जो लेके आए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ये स्पोर्ट्स सिटी लेके आए हैं, इट्स वेल वर्थ अ विजिट एंड वेल वर्थ सीइंग इट। अब बात आती है इस मैच की, इस मैच में अगर हम आते हैं स्किपर,
एक तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, मिसबा का पॉइंट था, ट्रेंड चेंज हो रहा है, यू थिंक अब चेंज ही हो जाएगा यहाँ से? अब नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर विकेट आपकी ठीक ठाक है तो वैसे थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है तो उसके लिहाज से भी देखा, हमने दोनों टीमें जीती हैं बैटिंग फर्स्ट तो हो सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जो आखिरी जो मैच होता है शाम वाला 7:30 वाला, उसमें कुछ ड्यूक फैक्टर भी प्ले करता है, तो इसलिए मैं लोग समझते हैं कि बैटिंग सेकेंड इज़ मच ईजियर देन बैटिंग फर्स्ट। अच्छा, कमिंग बैक अभी अगले हफ्ते तो लाहौर आ जाएगी, सो यू थिंक ड्यू फैक्टर विल प्ले अ पार्ट हियर? नहीं बिल्कुल, लाहौर में तो रहेगा। आप देखें कि शाम को बहुत अच्छी खासी सर्दी होती है अभी भी, अगर आप देखें तो लाहौर में तो सेकंड बैटिंग वाले को 100% फ़ायदा होगा। हो ही नहीं सकता कि कराची में, हो सकता है कि मौसम चेंज होने की वजह से वो तो हवा भी चलती, मगर मेरे ख्याल में अगर आज कपड़े सुखाना अगर आज आप देखें तो आज तो टोटली बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, इसलिए जीते हैं। उनमें कोई सेकंड बैटिंग या उसका कोई रीज़न नहीं थी, आज बॉलिंग उन्होंने अच्छी की लाहौर ने, वो इसलिए जीती है, मेरा अपना ओपिनियन है। फिर यहाँ लाहौर में आप कह रहे हैं ठंड, फिर जर्सियाँ नज़र आएंगी? इधर नज़र आएंगी, अभी जैसे नज़र आ रही, देखें आपने माशाल्लाह रोज़, ये तो चेस बोर्ड है रोज़ हीरो बन के आते हैं मिसबा जी, ये जो ड्यू फैक्टर है, और ऑफ कोर्स यहाँ एक और भी फैक्टर है, कई दफ़ा आपको सुबह सुबह मिस्ट भी मिल जाती है इधर, फॉग। लेकिन रात को आई डोंट थिंक सो कि जब तक मैच होता है उस टाइमिंग तक उस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, बट आई थिंक ओवरऑल नाइट मैचेस में प्रॉब्लम होगा दोनों टीमों को होगा, क्योंकि शाम का मैच जिस वक्त तक शुरू होता है उस वक्त तक ड्यू पड़ जाती है। दूसरी टीम को तो ठीक ठाक मुश्किल होगी, लेकिन पहली वाली को भी इतनी आसानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्दी ड्यू है, और फिर वेदर ऐसा है वो सारा दिन में बड़ी मुश्किल हो जाती है आपकी, वो ड्यू के साथ बॉलिंग करना, फिर ठंड में भी मतलब बॉलर्स के लिए भी इतना इजी नहीं है। वो अभी हम खेल के हैं वहाँ लेजेंड सीरीज, तो 2-3 दिन बड़ी ठंड हो गई थी वहाँ पे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपने ओवर किया, आप थोड़ा सा वार्म हुए, जाके खड़े हो गए, तो बॉडी एकदम आपकी ठंडी होती है, दैन इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू। 2020 में आपने एक ओवर कहीं किया और फिर आपको 5-6 ओवर के बाद ओवर करना पड़ा या 6 ओवरों के बाद ओवर करना पड़ा, तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी दैट इज़ नॉट ईजी। सो लेट्स सी, डिफरेंट चैलेंज होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा लोगों को। मगर मिसबा ये अभी 10 दिन के बाद आना है, जब तक मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। अब दिन को देखो आप तो अच्छा खासा मौसम ड्यू के लिए, आमिर यहाँ वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, वो रस्सी यूज़ किया करते थे, वो पुराना है, वो एक ट्रेडिशनल जो हमारा हम करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर तो रहेगा, वो तो हमेशा से रहा है और रहेगा, और उसलिए इसको तो आपको ऐसे ही खेलना होगा, कभी ऐसा हुआ नहीं है फिलहाल। अभी मॉडर्न डेज अभी थोड़ा सा ये ज़रूर हो गया कि जो हैवी स्प्रे करते हैं वो स्प्रे बेसिकली प्लास्टिक कोटिंग कर देता है ग्रास के ऊपर, टॉप के ऊपर, तो वो होता ये है कि जो भी पानी ऊपर गिरता है वो पानी ऊपर नहीं रहता, वो सीधा ज़मीन में चला जाता है, तो उस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। काफ़ी हमने देखा कि वो एक तरफ अगर वो हुआ हुआ है तो वहाँ ऐसे करें तो हल्का सा मॉइस्चर आता है, दूसरी तरफ नहीं हुआ हुआ तो आप यूँ करेंगे तो एक पूरा पानी से भर जाएगा, तो उसका इफ़ेक्ट होता है, काफ़ी हद तक वो इफ़ेक्टिव है, हेल्प करता है, इसलिए थोड़ा सा वो रोप वाली कम होता है अब ड्यू ये स्प्रे का ज़्यादा। अच्छा स्किपर, हम क्रिकेट की तो बड़ी बातें करते हैं, ये होता वो होता, लेकिन हम स्टेट ऑफ द आर्ट पे क्यों नहीं जाते? देखें ना आपकी जो साइड स्क्रीन्स हैं फॉर एग्जांपल, यू नो वी आर स्टिल प्रिमिटिव इन दैट। अब इस पे तो काम होना चाहिए ना, जब हम पूरी ग्राउंड इक्विपमेंट की बात करते हैं तो ये तो बहुत सीरियस चीज़ है कि जो आपकी साइड स्क्रीन्स हैं, स्कोर बोर्ड, बिल्कुल भी स्कोर बोर्ड तो खैर अब सब सारी डिजिटल आ गया, लेकिन साइड स्क्रीन पे आपका सर अभी तक ये पुशिंग वाला काम यहाँ पर है, ऐसे वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये ग्राउंड बना हुआ है और इसके पीछे जो लोग बैठते हैं, बाद में आपने देखा होगा कोई सामने तक कोई बंदा बैठता ही नहीं है, सारा ब्लैक कर देते हैं, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा इसका। नहीं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में स्कीपर अगर आप देखें या न्यूजीलैंड में, तो एक बंदा उसको मूव कर रहा होता है, आप याद होगा, और यहाँ हमारे पूरा 20 लोग भी तक
इतने साल हो गए हैं अभी तक चेंज नहीं किया। वैसे ग्रास पे पुश करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो व्हील्स तो लगे होते हैं लेकिन इनको ऐसा मैकेनिज्म करना चाहिए ताकि मुश्किल ना आए, ज़रा सिमेट्रिकल हो जाए और बेहतर हो जाए। याद है एजबस्टन पे इन्होंने वो लगाए थे इलेक्ट्रॉनिक यू नो कवर्स, सारे लगाते हैं लॉट पे भी हैं, बहुत सी नई चीज़ें। हम क्यों नहीं करते, होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। विजन की बात है ना, हाउ मच मनी यू वॉन्ट टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का तकड़ा होना, सही होना, लेटेस्ट चीज़ें हों तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलें जी, हम आपको दिखाते हैं यहाँ विनिंग मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। विनिंग मोमेंट्स क्या है ये देखिए ज़रा। एंड ऑफ द मैच कैसा लगा आपको? बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही डिसीजन था प्लेयर ऑफ द मैच का। ये बड़ा ट्रिकी भी हो जाता है ये प्लेयर ऑफ द मैच देना, एंड यू नो एंड यू हैव टू डिफाइन द विनिंग मोमेंट्स एज वेल। ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसमें पहले सर ये दो तीन लोगों की कमेटी बना देते थे, इसको सेलेक्ट करें, और वो ज़्यादातर तो जो कमेंटेटर ही वही करते थे ये काम। तो अभी मैं खैर इन्होंने पूछ पूछा के किया होगा, एक आदमी ने तो नहीं किया होगा ना ये। हालांकि अगर आज देखें तो शादाब खान ने 52 किया, चार आउट किए हैं, और एक टाइम पर तो मैच बिल्कुल वन साइडेड जा रहा था। वो जो इस्लामाबाद वापस आई है उस टाइम पे, वो शादाब की जो कंट्रीब्यूशन थी वो किसी तौर पे भी चार आउट 20 रन दे के एंड देन स्कोरिंग 52 आके बिल्कुल मैच को, लेकिन जस्ट फॉर वन ओवर आई थिंक ठीक है जी, आखिरी ओवर में 12 डिफेंड करना जो मेन पे सामने खड़े हों, आई थिंक उसने पहले भी बड़ी अच्छी बॉलिंग किया है, जो पावर प्ले में भी आके ओवर किए एज एन इमर्जिंग प्लेयर। पहले ही मैंने कहा है कि इट्स समथिंग स्पेशल। हाउ स्पेशल आमिर, आपने मुझे बताना है इस ब्रेक के बाद। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सम लाइटर मोमेंट्स एज वेल। टाइम मिला तो आपकी कॉल्स भी ले लेंगे, नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। हमारे साथ रहिए आप। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, ब्रॉट टू यू बाय zameen.com, sponsored by Alpers and transmission partners Marina City. अब ये जो स्पोर्ट सिटी है Marina Sport City, ये इट इज़ चेंजिंग द गेम इन टू अ मच हायर टेक्नोलॉजी, एंड इट्स बेसिकली अ स्पोर्ट सिटी जिसमें आपको एक नए डायमेंशंस में लेके जाएंगे ये लोग अल जलील बिल्डर्स। एंड ऑफ कोर्स यू विल सी कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी एंड स्टेट ऑफ द आर्ट जो चीज़ें यूज़ होंगी दैट विल बी अनप्रेसिडेंटेड। अगला मैच ये बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, ये मैच है पेशावर ज़ल्मी एंड ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान। अब मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का क्या मैच, इसका क्या एक ब्रीफ प्रीव्यू कर लें, तो ये हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। ब्रीफली इस मैच पे क्या कहेंगे आप? दोनों टीमें अच्छी हैं, आई फील के मुल्तान सुल्तान इट्स बेटर साइड। इनकी बैटिंग भी मुझे थोड़ी बेहतर लगती है और बॉलिंग भी अच्छी लगती है मुझे। अगर ये अपनी फुल पोटेंशियल पे खेले आई थिंक दे हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग दिस मैच। सलीम पीजी, मुल्तान नो डाउट कि बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ज़ल्मी को भी अगर देखो तीन में से दो मैच वो जीती है, और जैसे मिसबा और मैं अभी बात कर रहे थे कि ये कमबैक बड़ा अच्छा करती है, मिसबा कह रहे थे, और ये टीम है उसमें पोटेंशियल कि वो कमबैक करेगी, इसमें अच्छा खेलेगी इस मैच। आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इवन सीवन इस टाइम पे हो गया, नो डाउट कि मुल्तान सारे मैचेस जीती हुई है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, उनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बट आई थिंक ज़ल्मी आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम उसने पकड़ा है और वो इस पोजीशन में है, उनके पास भी मैच विनर्स हैं कि वो टफ टाइम दे सकते हैं और जीत भी सकते हैं मैच। आमिर, मेरा ख्याल ग्लैडिएटर अच्छी टीम खेलेगी, ग्लैडिएटर अच्छा खेलेगी अगर उसको आज पूरी तरीके से खेलती है तो उसके पास इतने लोग हैं, इतनी टीम है कि वो कमबैक कर सकती है। ठीक है, मैं क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करूँ, सब ने आपने पूछ लिया उनसे, सब ने मुल्तान का कह दिया, पूरा पूरा उन्होंने जवाब उसके दिए, उसमें अगर कुछ चीज़ तो उन्होंने छोड़ी नहीं है जो मैं बात कर लूँ, तो मैं बेहतर नहीं है कि मैं ग्लैडिएटर की बात कर लेता हूँ, तो मेरा सवाल तो आपने किया है ना, तो मैं उस पर चला, क्योंकि आपने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से बता दिया, मलिक साहब ने किया, मिसबा ने खूबसूरत एक एक चीज़। अब मेरी तो आने में तो मेरी जान ना, आमिर भाई क्या है आपकी आज, कौन जीतेगा? मैं ग्लैडिएटर की तरफ ठीक हो गया, बहुत गरीब टीम है उसकी तरफ,
सीधी सी बात है, मुल्तान सुल्तान बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, उनका कॉन्फिडेंस आया हुआ, उनका मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है, हम लोग सारे वही, तो कोई तो अगेंस्ट भी होना चाहिए ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा हो कि सारे एक ही कमेंट नहीं, लेकिन उनकी प्रेडिक्शंस इन तीनों की जबरदस्त रही है, जहाँ उन्होंने कहा जीतेंगे जीतेंगे। इस हॉल में 20 बंदे हैं, इन 20 से पूछ लीजिएगा तो इनमें से 18 मुल्तान सुल्तान को कहेंगे। नहीं, मगर हमने ये कहा है कि वो आज अपसेट कर जलमी अपसेट। अच्छा, नहीं नहीं, आज डोंट थिंक सो, मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेल लिया। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ थोड़ा सा इस पर, कि जीतने वाला जो जीत जो होता है ना, उसके कप्तान की थोड़ी लक भी फेवर करती है, जो कप्तान होता है ना थोड़ा सा, ये नहीं होता कि आप अच्छे कप्तान हों, लेकिन थोड़ा सा लकी भी होना चाहिए। रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहा है, प्लस वो लकी है, तो आपको जीत के लिए थोड़ा सा लकी होना पड़ता है। और मैं इसलिए क्योंकि सामने जो हैं वो, जैसे वो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं मलिक साहब हिंदी का, वो जी हाँ, वो सामने जिस तरीके से वो कप्तानी कर रहे हैं बहाब रियाज, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनका चांस हो आज। वैसे अगर अपसेट हो जाए वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टीम, अकॉर्डिंग टू जो जिनको फॉर्म चल रही है, जिससे मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान, अब मुझे पता है फॉर्म में जरा लाइट देना। नहीं नहीं, मैं पूरा इसलिए करूँगा कि मैं कोशिश करूँ कि मैं अपने इस सवाल करना कुछ 7-1 मिनट आपका टाइम लूँ मैं इसमें, ठीक हो गया? क्योंकि माशाल्लाह जब तक आप मेरी तरफ आते हैं, मुझे यहाँ बिठाया किसने था, आप लोगों ने बिठाया था, ठीक हो गया? अच्छा खासा वहाँ बैठा था मेरी भाई। ओके, मुझे वो याद आ गई, हमारा मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का अगेंस्ट UBL, तो वसीम अकरम गेंद कर देते, तो एक कमाल मर्चेंट हुआ करते थे UBL में, तो वो ओपन आए गया लाहौर पे मैच था, तो वसीम ने बाउंसर किया तो उन्होंने उनको टांग निकाल ली ना ऐसे करके, उसको आगे किया, वो सीधा इधर लगा, नीचे गिर गए। अब शफीक पापा वो बाहर थे, तो वो उस 12th में थे, तो ऐसे ऐसे इशारा किया, वो यार बर्फ लाओ, ऐसे करनी है जल्दी से, पापा जी वो लेकर के बर्फ आए, तो उन्होंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पे रख दी कमाल मर्चेंट के। अब कमाल मर्चेंट को थोड़ा सा होश आया, तो कहते पापा क्या कर रहे हो यार, गेंद इधर लगा है, कहते दूजे हाथे बजना। दूजे हाथे बजने, ऐसी बात है, मिला रहा था, कहते क्या बात कर क्लब क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, या हमारे PIB में, जैसी कुछ ऐसी चीज हो ना जो इमरान को बताए ना, हमारे वजीर आजम जो है इनके साथ आप खेली काफी। मेरी बात सुने, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुल्कों को डाड़ा है देखो मैं, बड़ी मेहरबानी। मैं असद शफीक जो है ना, वो थोड़ा सा बेचारा फंसा हुआ था, और सरफराज 2014 में हर मैच में ऑस्ट्रेलिया को मार रहा है, 100 कर रहा है, 50 कर रहा है, ऐसे जाता था, और एक सेशन के अंदर जी स्कोर, तो बैठे हुए थे ऐसे ही, तो मैं टाइम देख आप यही करेंगे, मैं खत्म कर दूँ। तो असद बैठा हुआ था, तो कहता है, नॉर्मली वो बड़ा खामोश है, बोलता नहीं है, सारे बैठे हुए थे नमाज के बाद, तो उसने कहा यार कल मैंने सैफी को कहा कि यार तुम इतना स्कोर, इतनी माशाल्लाह परफॉर्मेंस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ हमें भी बताओ, क्या पढ़ें, क्या करें, कौन सी सूरत पढ़ें, कोई परफॉर्मेंस शुरू हो। तो कहता भाई इतनी बात थी, भाई कहता ऐसे करना, मैच से पहले सूरज यासीन पढ़ लेना, सूरज रहमान पढ़ लेना, सूरज बोल पढ़ लेना, सूरज ये वाली पढ़ लेना। बोल कहता भाई, थोड़ी देर में उसने आधा कुरान गिनवा दिया। मैंने कहा अगर मैं ये सब कुछ पढ़ूंगा तो प्रैक्टिस कब करूंगा। ऐसे देख रहे हैं, और कह तो ठीक रहा है, तू तो हाफिज है भाई, उसको तो देख के पढ़ना पड़ेगा, उसका तो पूरा दिल लग जाएगा उसे। बिल्कुल, किस सलीम आमिर, मेरा ख्याल कुछ बताने लगे थे आप, लगे था, चुप रुक रुक मैं हाँ, कुछ इमरान का रिगार्डिंग इमरान का। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, सही बात, सही बात है। वो इलियास का, ये इलियास वाली कह रहे हैं ना, इलियास को कहे ना जी कि वो बताएं, तो कहता है अच्छा वो जवाब नहीं देगा, इलियास ने क्या जबरदस्त खेली है इनिंग्स, ये वो ओ हो, मैं तो उत्ते इन्नी चौके मारे सी, तो ये भी मारे सी,
वो उसको याद आ जाता है फिर। चले जी, ये ट्रांसमिशन का टाइम ख़त्म हुआ, रात को आपके साथ दोबारा आएंगे 11 बजे, और ऑफ कोर्स वील प्रीव्यू, और ये जो मैच है जो 7:30 बजे शुरू होगा इसका भी हम रिव्यू करेंगे। अंटिल देन, लुक आफ्टर योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।